हूं नगमा, स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। इस हफ्ते अगर आप दुनिया पे नजर डालें तो अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो खबरें हैं, वो बार बार बाहर आती हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हो, चाहे ट्रंप के बयान हो कि कैसे इवांका ट्रंप जो है वो बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकती है अगर आप कमला हैरिस से उनकी तुलना करें, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसके बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि नॉर्वे और स्वीडन में एक अलग किस्म के सड़कों पर रायट्स और हिंसा भी दिखाई दे रही है, जो एक धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर इशारा करता है। इसके साथ साथ हमें देखा कि भारत में जिस बात का आशंका था, एक बड़ी दुखद खबर कल ये आई कि जीडीपी बुरी तरह से गिर गया भारत का, जितना अंदेशा था उससे कहीं ज्यादा, उम्मीद से और जितने लोग आभास कर रहे थे कि इतना ज्यादा जीडीपी सिकुड़ेगी, उससे भी ज्यादा जीडीपी गिरी है। तो इसकी क्या वजह रही है, और इन सब को लेकर हमको बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, बढ़ती हुई गरीबी दुनिया भर में, इन तमाम चीजों पर हम नजर डालेंगे इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में। मेरे साथ सांकलन के लिए जुड़े हुए हैं संजय जोशी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन। संजय, मैं आपकी पहली टिप्पणी, जीडीपी के जो आंकड़े आए भारत के, उसमें 23.9% की जो गिरावट, अब तक ही कहते हैं कि सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन है 1996 के बाद, जब से भारत ने ये तिमाही आंकड़े जारी करने शुरू किए। अगर आप जीडीपी को देखें तो बाकी देशों में भी गिरावट आई है। अमेरिका में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि लगभग 9%, जर्मनी में भी लगभग 10%, और कुछ देशों में, यूरोप के भी कई देशों में जीडीपी गिरी है। चीन एक अकेला वो मुल्क है, जैसा पहले भी चर्चा करते आए हैं, कि जिसमें जो इस दौरान इससे उभर कर अब आगे बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक ग्रोथ जो है वो दोबारा हो रही है। लेकिन यहां पे जिस तरह से जीडीपी धड़ाम से गिरी है, क्या खास वजह रही कि भारत की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है? क्या जिस तरह का लॉकडाउन हमारा था, पूर्ण लॉकडाउन, ये उसकी एक बड़ी वजह है, या उसके पहले जो जीएसटी और साथ साथ नोटबंदी, ये तमाम चीजें जो आर्थिक फैसले लिए गए, उन सब का असर अब दिख रहा है? नगमा जी, भारत का जीडीपी करीब 24% गिरा है जो अभी आंकड़े आए हैं, और जैसा आपने कहा सही है कि अगर G20 देशों को देखें तो ये गिरावट सबसे बड़ी गिरावट है। वैसे सभी देशों में जो गिरावट आई है जीडीपी में, और सब में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है। यूके के बारे में कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है, जो कि 20% की थी। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 4 दशक की सबसे बड़ी गिरावट है, जो फिगर सामने आ रहा है। तो भारत की स्थिति आप देखें तो वास्तव में जो भारत में गिरावट आनी शुरू हुई, देखिए दूसरे देशों में भी गिरावट आई, लेकिन भारत में गिरावट शुरू आई, जो स्लोडाउन शुरू हो गया था, वो एक तरीके से 2018-19 के एंड आते आते, जो हमारा तीसरा क्वार्टर था, तीसरी तिमाही थी, एक डिक्लाइन वहां से लगातार हमारी इकोनॉमी में होता जा रहा था। और हालांकि वो इलेक्शन के शोरगुल में छुपा रहा, बहुत सी चीजें होती रही, लेकिन डिक्लाइन डेफिनेट डिक्लाइन था। अगर आप 18-19 का दूसरी तिमाही देखें तो हमारी ग्रोथ 7.1% थी, अच्छी हेल्दी ग्रोथ थी, वो फिर गिर करके पहले 6.5% हुई, और शनैश उसके बाद लगातार गिरती चली गई। और अगर अभी रिसेंट जाएं तो जो पिछला वर्ष गया है उसका आखिरी क्वार्टर जो था, उसमें हमारी जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 3.1% थी। उसके बाद आई कोविड की मार, और कोविड ने इस सब को जो है एक तरीके से जो पहले ही बहुत विकराल स्थिति बनती जा रही थी इकोनॉमी की, उसको एक धक्का और दिया, और ये भारी गिरावट हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो आगे बढ़ा है। कोविड का हाँ इसमें जरूर योगदान है, लॉकडाउन का जरूर इसमें योगदान है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप ब्रेकअप देखते हैं तो जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उसमें, जैसा हम पहले भी चर्चा करते आ रहे थे, आपको याद होगा हमने कहा था कि एग्रीकल्चर अकेला क्षेत्र है जो आगे बढ़ेगा। वास्तव में एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है, 3.2% ग्रोथ रजिस्टर किया है। बाकी जितने सेक्टर है, और ऑब्वियस सेक्टर्स जो गिरेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें करीब 40% गिरावट आई है। इस तरह से होटल इंडस्ट्री, जो होटल बंद पड़े हैं, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी सर्विसेज के हमारे लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन जो कि हमारी सर्विस सेक्टर की एक तरह से रीढ़ है, ये जो एक स्पाइन है हमारी इकोनॉमी की एक तरीके से, इसमें जब भारी गिरावट आएगी तो लाजमी है कि भारत की इकोनॉमी भी डिक्लाइन करेगी। तो ये कारण है कि इतनी भारी गिरावट आपको देखने पा रही है।
कई का कहना है कि वी शेप रिकवरी अगले क्वार्टर में होगी। मेरा मानना है कि हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, अपनी उम्मीदें अपनी आशाएं सोच समझ के ही रखनी चाहिए। वी शेप रिकवरी अभी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि डेथ ज्यादा नहीं है, मौतें भारत में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो केसों की गति है वो अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं संक्रमण में हमें दुनिया में। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, कहीं ना कहीं पाबंदियां आपकी लगती जाएंगी, कंटेनमेंट जोन आते जाएंगे। तो जब जो शुरू से हम कहते आ रहे हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन की जो सबसे बड़ी एक थ्रेट था भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, वो आज भी बराबर बरकरार है और हम अपनी सप्लाई चेन आज तक रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी सप्लाई चेन से पूरी इकोनॉमी लिंक्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर पड़ता है, और जब तक ये ढर्रा ठीक नहीं होता। देखिए, इकोनॉमी बंद करना आसान होता है, शुरू से मैंने कहा है, लेकिन उसको शुरू करना वास्तव में मुश्किल होता है, क्योंकि इकोनॉमी के कई हिस्से हैं जो कि फिर जब गाड़ी का इंजन बंद होता है तो कई चीजें खराब हो जाती है, कई पुर्जे खराब हो जाते हैं, कई बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, कई छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं, तो उनको वापस शुरू करना इतना आसान नहीं कि चाबी घुमाइए और फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये चैलेंज हमारा है, इसका सामना हमें आते समय में करना पड़ेगा, और आंख खोल करके हमको पहचानना है कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले कुछ क्वार्टर्स में है वो यही है कि कैसे इस इकोनॉमी को हम वापस धरने पर लाते हैं। जी, जिस तरह का असर अर्थव्यवस्था पर ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे अमेरिका, वहां भी लेकिन अगर गिरावट 9% की देखी जाती है, या जर्मनी को देखें, यूरोप में जो सबसे ज्यादा प्रगतिशील और सबसे विकसित इकोनॉमी है, उसको सभी जगह पे ये गिरावट आई, और हम सब जगह देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो सिकुड़ा है। अमेरिका में ही 14% की बेरोजगारी का आंकड़ा है, बाकी जगहों पे भी नौकरियां सिमट रही हैं, लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं। भारत की बात करें, बेरोजगारी बढ़ी है, जो फासला है अमीरी और गरीबी में वो बढ़ता चला गया है, और जो आम जनता है बनाम जो अमीर या इलीट क्लास है उसमें एक टकराव भी नजर आता है। तो गरीबी और भुखमरी सिर्फ कुछ बहुत ही अंडर डेवलप्ड, जैसे कहते हैं कि सब सहारन अफ्रीका जैसे देशों में देखा जाएगा, ये नहीं है। अब ये गरीबी तमाम जगहों पर सड़कों पर नजर आ रही है और ज्यादा इस पैंडेमिक के बाद। ऐसे में एक चुनौती तमाम देशों के लिए रहती है कि इससे आप कैसे निपटेंगे और किस तरह के मॉडल्स सरकारों के की मदद कर सकते हैं इस समय। जब पहले रिपोर्ट्स आई थी वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल में, जब आंकड़े निकालने शुरू किए थे पैंडेमिक के असर के बारे में, तो उनका कहना था कि जो पॉवर्टी है, जिसको पॉवर्टी का उनका डेफिनेशन बड़ा संकीर्ण डेफिनेशन है कि जो भी $2 से कम पर दिन रोज कमाता है, रोजाना पर कैपिटा इनकम है, उसको वो लोग गरीब मानते हैं। तो अगर उस आंकड़े को देखें तो पिछले करीब अगर आप 1981 से 2015 का पीरियड देखें तो दुनिया भर में करीब 70 करोड़ लोग इससे बाहर निकले, एक भारी संख्या में लोग इसे बाहर आए थे। जो इनका जो पॉवर्टी है, जो डिक्रीज हुआ है, 2 बिलियन जो हुआ करते थे 1981 में, उनकी संख्या घट करके 70 करोड़ हो गई 2015 में आते। एक बड़ा भारी जो ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ था वर्ल्ड बैंक के अनुसार, उसमें पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। पर अब पैंडेमिक की वजह से वापस जो ये ढर्रा दौड़ रहा है, पॉवर्टी दुनिया भर में बढ़ रही है और बढ़ेगी। तो ये जो एक समस्या आई है, दो चीजें हुई है, एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉवर्टी बढ़ेगी, उसके अलावा जो इनइक्वालिटी है, अगर आप उसके ऊपर का तबका देखें जो करीब $2 से $5 कमाते हैं, उनकी संख्या में जो वास्तव में गरीब, वो भी गरीब है, हालांकि वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन गरीब नहीं माने जाते, उनकी संख्या में लगातार इजाफा आ गया 1981 से लेकर, और आज वो बढ़ता जाएगा ऐसी स्थिति में। तो पॉवर्टी की स्थिति जो है, गरीबी की स्थिति दुनिया भर में यहाँ पे वास्तव में होती जाएगी। सब सहारन अफ्रीका में, एशिया में, भारत जैसे देशों में जो अंडर $2 वाली जो 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 तबका है, उनकी संख्या में इजाफा होगा। तो एक चैलेंज पूरी दुनिया के सामने होता है कि कैसे ये एक जो नया चैलेंज है, जो किंग्स कॉलेज की रिसर्च है, उनका कहना है कि करीब 40 करोड़ नए गरीब जुड़ेंगे, हो सकता है 40 हो सकता है 50 हो, 60 हो, 70 हो, देखिए अभी ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन हर राज्य के सामने, हर स्टेट के सामने ये चैलेंज आएगा। और पहले
जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, जो चीन में, भारत जैसे देशों में वो $2 वाला जो मिडिल जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोग ऊपर उठ करके आए थे, उनको जो एक ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट था वो अब कम होता जा रहा है। सभी जगह जो है सब देश बात कर रहे हैं कि हम अपना अपना एम्प्लॉयमेंट अपने देशों में वापस ले जाएंगे, हम अपनी जो ये वैल्यू चेन्स हैं उनको बाहर दूसरे देशों से तोड़ करके, चीन से तोड़ करके और जगह तोड़ करके अपने देशों में। ट्रंप का तो बड़ा एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि जॉब्स वापस अमेरिका लेकर के आएंगे। वही बातें यूरोप में हो रही है, वही बातें हर देश में हो रही है। तो चैलेंज दोहरा है, एक तरफ तो कोरोना की मार है, दूसरी तरफ जो डीग्लोबलाइजेशन का एक दौर चल पड़ा है उससे भी एक भारी नुकसान होने वाला है, और दोनों का चैलेंज सभी देशों के सामने आएगा। जी वो जो $2 की बात है वर्ल्ड बैंक की, वो भी अब पुरानी है, और अगर अब $2 भी कोई कमाता है तो वो कितना किस तरह से निभा कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। $2 से के ऊपर जो $13 तक का उनका एक उनकी लिमिट है कि वो वल्नरेबल टू फ्यूचर ग्रुप, किसी भी समय वो बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में रहते हैं ऐसे लोग जो कि $13 तक कमाते हैं, और उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में जब सवाल ये उठता है कि क्या देश अब वेलफेयर स्टेट की ओर जा सकते हैं, क्या वेलफेयर स्टेट मुमकिन भी है एक ऐसी स्थिति में, जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रंप जैसे नेता जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस राष्ट्रवाद के वो एक तरह से वर्ल्ड लीडर हैं, उनको सभी जगह पर अब वही राष्ट्रवाद जो है वो नजर आ रहा है दुनिया भर में, तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा सरकारों के लिए, खास करके तब जबकि राष्ट्र एक उबलते हुए राष्ट्रवाद की वजह से कई देश भी आमने सामने हैं। जब तक मुमकिन हुआ था अगर वेलफेयर स्टेट लागू करना तो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बहुत सारे देशों में तब घटाया गया था, पर अब मसलन भारत और चीन को ही अगर हम लोग देख लें तो देश आमने सामने हैं अपने अपने राष्ट्रवाद की चादर ओढ़कर। देखिए जो अमेरिका की स्थिति और जो ट्रंप की पॉलिटिक्स है वो थोड़ी फर्क पॉलिटिक्स, अगर आप वास्तव में देखें ग्लोबल वैल्यू चेन जो बनी है, ट्रंप का कहना है कि ग्लोबल वैल्यू चेन ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, ये ट्रंप का बड़ा इलेक्शन प्लेटफॉर्म है। पर वास्तव में अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन को देखें तो ग्लोबल वैल्यू चेन ने जो है एक तरीके से जो मजदूर वर्ग है उसके काम की कीमत निरंतर गिराई। ग्लोबल वैल्यू चेन का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू अमीर देशों ने कमाई है इससे। अमेरिका अगर आप देखें तो अमेरिका ने जितना ग्लोबल वैल्यू चेन के माध्यम से कमाया, अमेरिकी कंपनीज ने लगभग 70-80% पैसा डेवलप्ड कंट्रीज को ग्लोबल वैल्यू चेन का जाता है, और जो बाकी देश है जो बनाने वाले देश है, जो मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, जहां नाइकी का जूता बनता है, जहां उसके फीते बनते हैं, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, अगर उनकी टोटल वैल्यू देखें तो मुश्किल से 5% उनके हाथ में उसका हिस्सा आता है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत फेयर नहीं थी, ग्लोबल वैल्यू चेन्स पहले से ही डिस्ट्रॉक्टेड थी। समस्या अमेरिका जैसे देशों में क्या आई कि जो वहां पर जो लार्ज वैल्यू इक्वेशन होता था, जो एक बड़ी वैल्यू आती थी, वो सिर्फ एक तबके के पास गई, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम पैदा हुआ इन देशों में। और वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का मुख्य कारण ये था, ये जितने देश थे आगे चलते चलते और जो मॉडल एक इकोनॉमिक मॉडल बना, जो आगे रीगन थैचर एरा के बाद एक जो इकोनॉमिक मॉडल बना, उसमें जो वेलफेयर स्टेट जिसकी आप बात करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट लगातार कमजोर होता गया, और वेलफेयर स्टेट वेस्ट में कमजोर हुआ। वेलफेयर स्टेट आज अगर आप इस इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेबर का रिलेशन मार्केट के बेसिस पर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लेबर प्रोटेक्शन कमजोर होता गया है, और किस तरीके से आज हम अगर वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज उभर करके आता है कि कैसे ऐसी स्थिति में वेलफेयर स्टेट की पुनर्स्थापना की जाए, क्योंकि पुराना वेलफेयर स्टेट खड़ा था मिडिल क्लास के टैक्सेस के ऊपर। अगर एक अच्छा मजबूत मध्यम वर्ग है तो उससे टैक्सेशन लेकर के जो यूरोप और अमरीका के मिडिल क्लास थे वो चला करते थे, उनके वेलफेयर प्रोग्राम चला करते थे, उनके हेल्थ के प्रोग्राम यूरोप में चला करते थे। लेकिन जब उसकी संख्या घटती जाती है तो वेलफेयर स्टेट अपने आप कमजोर होता जाता है। तो आज जब एक मिडिल क्लास बीच में से गायब हो जाता है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज में है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, जब खाई इतनी बड़ी हो जाती है अमीर और गरीब के बीच में, तो वेलफेयर स्टेट वास्तव में चला पाना बहुत मुश्किल होता है कि कहां से वेलफेयर स्टेट चलाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, कहां से टैक्सेशन किया जाएगा, किससे इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि जहां आप टैक्स रेज करते हो, ट्रंप जो है टैक्स रेज करने की स्थिति में नहीं है, वो टैक्स कम करने की बात करते हैं,
तो वेलफेयर स्टेट कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने, और इसी को लेकर के एक बड़ी डिबेट हो रही है जो लेफ्ट और राइट के बीच में एक डिबेट चली आ रही है कि कैसे वो वही आप प्ले देख रहे हैं अमरीकी पॉलिटिक्स में भी, वही प्ले आप आगे जाकर के देखेंगे दूसरे देशों में भी, कि कैसे जो डिफरेंट जो 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 सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके बीच में फिर से जो ये डिस्टॉर्शन आ गया है, इनकम इनइक्वालिटी आ गई है, इसकी खाई कैसे पाटी जाए, क्योंकि कोरोना के चलते कोविड के चलते ये खाई और गहराती जा रही है। जो नई एक इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, इस सब में एक खाई बढ़ती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम किन के लिए सबसे सक्षम है, जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर सकते हैं, उनके लिए तो वर्क फ्रॉम होम संभव है, अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं चलता है। तो वो लोग जो हैं, इसकी वजह से ड्राइवर्स हो गए, बाकी लोग हो गए जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए इसमें इस स्थिति में सर्वाइव करना कर पाना और मुश्किल होता जाता है, और वो निरंतर राज्य की तरफ देखेंगे, स्टेट की तरफ देखेंगे कि कैसे उनको सहारा मिले। जी, तो स्टेट्स को इस समय में एक जरूरत इसकी है कि इस तरह की पॉलिसीज हों, इस तरह के हम सिचुएशन में एक ऐसी पॉलिसीज लाए स्टेट जहां पे बाजार को जिंदा किया जा सके, जो बाजार बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं वहां पर एक ऊर्जा हो, और जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके हाथों में पैसे आए। पहले भी हमने चर्चा की है इस बात पे, और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इन एक्टिविटीज को बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा, और जल्दी शुरू करना पड़ेगा। और कैसे शुरू करना पड़ेगा, इसमें हो सकता है आपके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, इनमें क्रेडिट फ्लो नहीं करेगा, इनमें बैंक्स लेंडिंग करने के लिए जल्दी सामने नहीं आने वाले हैं। आज की तारीख ये है कि एक स्टार्टअप के लिए तो बैंक पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि इसमें पैसा वापस आने वाला नहीं है, और उनका एक्सपीरियंस रहा है कि सबका पैसा इसमें डूब रहा है। तो एक अगर हमको ये किक स्टार्ट करना है, तो जो ये कोर, हम लोग बार बार एक पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करते रहते हैं, लेकिन आज जरूरत फिर से आ गई है कि कैसे वो एक जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको किसी न किसी तरह से रिवाइव करके, जो एक तबका है जो छूटता चला जा रहा है, उसको फिर से कुछ ना कुछ तरीके से एक नया जीवन दान दिया जा सके। जी जी, और यही इनइक्वालिटी का नतीजा हमने देखा था बहुत सारे यूरोप में भी, सड़कों पे, जैसे फ्रांस में वो येलो वेस्ट मूवमेंट, ये तमाम जो चीजें थी वो गैर बराबरी जो बढ़ रही है उसकी वजह से नजर आ रही थी। दूसरा सवाल और आखिरी सवाल, एक हम अगर राष्ट्रवाद के ऊपर लौटे संजय, तो जो भविष्य की राजनीति है या दुनिया में जो भविष्य की सियासत है वो किस ओर जा रही है? वो लगातार एक ऐसा राष्ट्रवाद नजर आ रहा है जहां पर तमाम नेता जो अपने अपने देशों में लोगों को रोटी कपड़ा मकान देने में नाकाम रहे हैं, वो उनको राष्ट्रवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भुखमरी गरीबी को भूल जाइए और ये देखिए कि किस तरह से आप राष्ट्र के लिए तमाम चीजें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक उभरते हुए जो मध्यम वर्ग भी है उसको कौन इस समय बेहतर लुभा सकता है? पॉपुलिस्ट लोक लुभावन, राष्ट्रवाद तमाम जगह चल पड़ा है, धर्म के नाम पर भी ये चल पड़ा है, चाहे वो टर्की हो, चाहे आज नॉर्वे और स्वीडन हो, अमेरिका हो, तमाम जगह ये नजर आ रहा है। तो लोगों को लुभाने में किस तरह की नीतियों में आपस में टकराव है और कौन कामयाब होता है और आगे की सियासत किस ओर बढ़ रही है, आपका क्या आकलन है? देखिए, ये राष्ट्रवाद समाधान नहीं है, समाधान तो कहीं और है। ये जैसा पहले भी चर्चा करते आए, कहानियां कथाएं राष्ट्र के बारे में अर्दोगान भी कर रहे हैं, दूसरे देश भी कर रहे हैं, कहानियां बना बना करके आप कुछ समय तक तो काम जरूर चला सकते हैं, लेकिन जो ये ओवर एम्फेसिस हम लोग हो गया है कि नैरेटिव इज एवरीथिंग, आप नैरेटिव कंट्रोल कर लें तो आप पूरे राष्ट्र को कंट्रोल कर सकते हैं, देश को कंट्रोल कर सकते हैं, वो वास्तव में सही नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में तथ्य आपकी डेमोग्राफिक्स है, तथ्य आपके एक 1.3 बिलियन लोग हैं, उनके पास अगर जॉब्स नहीं है तो कोई भी आप नैरेटिव बना लीजिए, अंततः तथ्य वो हथौड़ा है जो किसी भी नैरेटिव का आकर के कपाल किया करेंगे, वो हथौड़ा पड़ेगा और कपाल किया आपकी होगी। तो ये एक टेम्प्री सोल्यूशन है, कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन अंततः मूल जो समस्याएं हैं उनका समाधान जब तक कोई नहीं निकाल सकता, ये कहानियां बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी, लेकिन ये जो कहानियां अभी चल रही हैं, जो कथानक जो बिना जा रहा है, उससे ये देखते हैं कि नैरेटिव कंट्रोल करके जो उनके अपने अपने सियासी एजेंडा है नेताओं के,
उसको साधने में तो वो कामयाब हुए हैं, क्या वो लोगों का भला करना चाहते हैं, आखिरकार कौन से इस तरह के नेता उभर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर चाहे अमेरिकी चुनाव में देखें तो यही राष्ट्रवाद काम कर रहा है, यही काम कर रहा है कि कैसे चीन से अगर कोई बचा सकता है अमेरिका को तो वो ट्रंप है, अगर बाइडेन आएंगे तो कैसे चीन हावी हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, तो इससे वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने में तो कामयाब हो रहे हैं फिलहाल। देखिए, राष्ट्र का जीवन का लंबा होता है, जनरेशन का जीवन काल शॉर्ट होता है, तो राष्ट्र के जीवन काल में राष्ट्र के लिए क्या बेहतर है उसके उत्तर कुछ और होते हैं, और अगले चुनाव के लिए क्या रेलेवेंट है उसके उत्तर कुछ और होते हैं। तो अभी जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग सत्ता किस तरीके से सत्ता बना रखे, उनकी प्रायोरिटीज वो हैं, वो कुछ ना कुछ कथा कहानियां लेकर के जरूर आते हैं सब में, लेकिन उनको भी वो भी सोचते हैं कि हमको कैसे समय मिल जाए, एक टर्म और मिल जाए, हो सकता है स्थिति पलटे, अगले टर्म तक हम कुछ समाधान दे पाए, अभी चलिए इससे काम चला लेते हैं। तो ये देखिए एक तरीके से जिसको बोलते हैं पॉट बॉयल करना, एक खिचड़ी उबल रही है उसको उबालते रहिए, जब तक सत्ता बनी रहती है सत्ता में बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वास्तव में नहीं है। इसके लिए सभी राज्यों को आगे आकर के मिल बैठ करके इसके हल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया के पास जो समस्याएं हैं वो आज वास्तव में ग्लोबल हैं, वो सीमित नहीं है, राष्ट्र की सीमाओं में सीमित नहीं है। तो हमें एक नए ग्लोबलाइजेशन का उदय देखना पड़े, उसका उदय अत्यंत आवश्यक है, एक नया ग्लोबलाइजेशन को एक जन्म देना पड़ेगा, और अंततः जो नेता उस नए ग्लोबलाइजेशन को जन्म देंगे उन्हीं के नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, वही लोग याद रखे जाएंगे, बाकी लोग भूले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। ये जो नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद का उभार हम देख रहे हैं, पहले उसे ये देखा जा रहा था कि एक तरह से एक रिजेंटमेंट है आम लोगों का, जो अमीर है, जो इलीट है, उनके खिलाफ, लेकिन अब ये तमाम देशों में एक डोमिनेंट नैरेटिव इसका फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही।